साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय समस्त विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस से विश्व भर में बहुत लोगों की जान जा चुकी है। हमारे देश में भी लगभग 200 लोग कोरोना वायरस से ग्रसित पाए गए हैं। अपने देश के लिए और समस्त मानव जाति के लिए यह संकट की घड़ी है। रोकथाम इलाज से बेहतर है, इसलिए समय पर बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियां हमें इस आपदा से बचा सकती हैं। संकट की इस घड़ी में मैं देश के सभी विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतियों, अपने लगभग 40,000 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं 14 लाख शिक्षकों, गैर शिक्षक साथियों तथा 3,74,00,000 विद्यार्थियों से अपील करता हूँ कि वे धैर्य बनाए रखें और सभी सावधानियाँ बरतते हुए अपना बचाव करें। मैं आपसे यह भी अपील करता हूँ कि अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों, सहयोगियों और समाज के सभी वर्गों को जागरूक बनाकर उन्हें भी इस वैश्विक महामारी से बचाने में सहायता करें। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं और राष्ट्र और समाज के प्रति उनका महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। इस कठिन समय में मैं अपने शिक्षक साथियों से अपेक्षा करता हूं कि वे आगे आएं और समाज को इस महामारी से बचने के उपायों से अवगत कराकर अपना गुरुत्वाकर्षण दायित्व निभाएं। मैं अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि वे सक्रिय रहकर अपने साथ साथ बुजुर्गों एवं छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें और कोरोना से रोकथाम एवं बचाव संबंधित उपायों से अवगत कराएं। हम स्वयं स्वस्थ रहकर दूसरों को स्वस्थ रखने में मदद करें। आइए हम सब मिलकर इस मिशन में अपने शैक्षिक परिवार का योगदान सुनिश्चित करें और कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी को बढ़ने से रोकें। धन्यवाद। जय हिंद।